हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रिक पॉइंट। आज मैं आप सबके सामने भारतीय बैंक और उनके मुख्यालय की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग उन बैंकों के मुख्यालय देखेंगे जिनके नाम में बैंक ऑफ इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। तो वह बैंक हैं, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यह पांच बैंक ऐसे हैं जिनके लास्ट में लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको यह याद रखना है कि जो बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक हैं उन सभी बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? घर में आपको पता है कि घर में बैंक का काम कौन करता है? माँ करती हैं, है ना। घर में पैसा तो पिताजी लाते हैं, लेकिन उनको सुरक्षित कौन रखता है? मॉम रखती हैं, यानी घर में बैंक का काम मॉम करती हैं। तो मॉम से हो गया मुंबई, और ऐसा इंडिया में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। इंडिया में होता है कि बैंक का काम मॉम करती हैं, तो इंडिया और बैंक से हो गया बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के जो भी हेडक्वार्टर्स होंगे वह कहाँ होंगे दोस्तों? मुंबई में। क्लियर है। अगला है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। यह कोई बैंक नहीं है, लेकिन इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, तो मैंने सोचा कि इसको भी साथ में याद करवा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह पेपर में पूछा जाता है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं SEBI, अर्थात सेबी। तो सेबी को याद करने के लिए कर लेते हैं सेब, ठीक है। और फिर उसके बाद है देना बैंक। इन दोनों का मुख्यालय भी मुंबई में है। तो जब घर में जाते हैं और अगर हमको सेब चाहिए होता है खाने के लिए, तो किससे मांगते हैं? जाहिर सी बात है, अगर हम घर में हों और सेब चाहिए होता है तो हम मॉम से ही बोलते हैं। मॉम को बोलते हैं कि मॉम सेब देना, है ना, मॉम सेब देना। तो देना से हो गया देना बैंक, सेब से हो गया सेबी, और मॉम से हो गया मुंबई। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और देना बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। क्लियर है। अगला देख लेते हैं। अगला है इंडियन बैंक, जिसका मुख्यालय है चेन्नई में। साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक भी है एक, इसका भी मुख्यालय है चेन्नई में। तो इन दोनों में एक शब्द कॉमन है, इंडियन, है ना। तो हम लोग इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर चलते हैं। तो इंडियन ओवरसीज में एक शब्द छुपा हुआ है सीज, है ना, सीज करना किसी भी चीज़ को। तो सीज करने के लिए हमारे इंडिया में क्या करते हैं दोस्तों? जब सीज करना होता है किसी भी जगह को, तो हमारे इंडिया में क्या करते हैं? उसमें चैन लगा देते हैं गेट पे, है ना, चैन लगा के उसमें ताला लगा देते हैं जब किसी भी बैंक को सीज करना होता है। तो सीज करने के लिए चैन लगाते हैं, तो चैन से हो गया चेन्नई, और हमारे इंडिया में ऐसा होता है, तो इंडिया से हो गया इंडियन बैंक, और सीज से ओवरसीज बैंक। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। क्लियर है। अगला है केनरा बैंक, जिसका मुख्यालय है बेंगलोर में, और साथ ही विजया बैंक का भी मुख्यालय बेंगलोर में ही स्थित है। तो केनरा बैंक में एक शब्द लिखा हुआ है के नारा। नारा का मतलब होता है स्लोगन। और नारा कब लगाते हैं? जब कोई भी जीत जाता है, यानी जब किसी की विजय होती है, तब नारा लगाते हैं। तो विजय से हो जाएगा विजया बैंक। और नारा किससे लगाते हैं दोस्तों? गले से, क्योंकि आवाज़ कहाँ से निकलेगी? गले से, है ना। तो नारा गले से लगाते हैं, तो गले से हो गया बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में बा को हटा दें तो बचता है शब्द गलो, ठीक है। तो नारा लगाते हैं गले से, और नारा कब लगाते हैं? जब किसी की विजय होती है। तो नारा से हो गया केनारा बैंक, और विजय से हो गया विजया बैंक। तो केनरा बैंक और विजया बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक का भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और एक बैंक है भारतीय महिला बैंक, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है। तो आपने पंजाबियों के बारे में एक बात सुनी होगी कि पंजाबियों का जो दिल है वो बहुत बड़ा होता है ना। पंजाबियों का जो दिल है वह बहुत बड़ा होता है, साथ ही महिलाओं का भी दिल बहुत बड़ा होता है ना। तो पंजाबियों का और महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, तो दिल से हो गया दिल्ली। और किसका दिल बड़ा होता है दोस्तों? महिलाओं का। तो महिलाओं से हो गया भारतीय महिला बैंक, और पंजाबियों का, तो पंजाबियों से हो गया पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। क्लियर है। अगला है आंध्रा बैंक, जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में, और आंध्रा का मतलब है आंध्र प्रदेश से।
तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है हैदराबाद। तो आंध्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्लियर है? अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका मुख्यालय स्थित है बड़ोदरा में। तो बड़ौदा और बड़ोदरा एक ही स्थान के नाम हैं, बस थोड़ा सा नाम में बदलाव किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को देखकर आपको हमेशा बड़ोदरा ऑप्शन ही क्लियर होगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? बड़ोदरा में। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? अगला है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। साथ ही यूको बैंक अर्थात यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है। तो इन दोनों में एक शब्द कॉमन है, वह है यूनाइटेड, और यूनाइटेड में एक शब्द छुपा हुआ है नाइट। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नाइट में सुरक्षा के लिए गार्ड की जगह कुत्ते रखे जाते हैं, है ना? नाइट में सुरक्षा के लिए ज़्यादातर कुत्ते छोड़ के रखे जाते हैं, जिससे कि अंदर कोई ना आ पाए। तो कुत्ते रखे जाते हैं नाइट में सुरक्षा के लिए। तो कुत्ते से हो गया कोलकाता और नाइट से हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। क्लियर है? और आप यूको बैंक को एक तरीके से और याद रख सकते हैं। यूको में दो शब्द हैं, एक यू और दूसरा को। तो यू का मतलब होता है तुम, और को से कौन सा शब्द आएगा? कोलकाता। तो यू कोलकाता मतलब यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। क्लियर है? अगला है इलाहाबाद बैंक, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में ही स्थित है। तो इलाहाबाद को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं इलाकाबाद। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी। तो इलाका कुत्तों का होता है, तो कुत्ते से हो गया कोलकाता और इलाका से हो गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में। क्लियर है? लास्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SIDBI, इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऐसे बैंक जिसके लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया होता है, वह सभी कहाँ स्थित होते हैं? मुंबई में। लेकिन यह एक ऐसा बैंक है जिसके शब्द में लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया लास्ट में, लेकिन इसका मुख्यालय मुंबई में ना होकर लखनऊ में है। तो आपको यह याद रखना है कि एक ऐसा बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है बैंक ऑफ इंडिया होते हुए भी। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें, तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब छोटी इंडस्ट्री। तो छोटी इंडस्ट्री कौन सी होती है दोस्तों? जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम पैसे लगे हुए होते हैं, मतलब लाख में पैसे लगे हुए होते हैं, करोड़ में नहीं। वह इंडस्ट्री कैसी होती है? छोटी होती है। तो लाख में पैसे लगे होते हैं, वह इंडस्ट्री छोटी होती है। तो लाख से हो गया लखनऊ, और इंडस्ट्री छोटी होती है मतलब स्मॉल होती है, तो स्मॉल से हो गया स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। क्लियर है? तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।